हाथरस विधानसभा, इस विधानसभा में दल जीत के रस को चखने की कोशिश में जुटे हैं, पर इस सीट पर जीत का स्वाद चखना इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस उत्तरी भारत के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका इतिहास औद्योगिक साहित्य से जुड़ा है। पौराणिक इतिहास की माने तो पुराण हाथरस के इसकी उम्र महाभारत काल की हो सकती है। पुराने लोक कथाओं और आर्कियोलॉजिकल अवशेष इसे साबित भी करते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय माँ पार्वती ब्रज पहुंची थी और देवी पार्वती जहाँ रुकी उस जगह को हाथरसी देवी स्थान के नाम से जाने जाने लगा। इस पौराणिक कहानी के आधार पर ही हाथरसी देवी स्थान के नाम पर इस जगह का नाम हाथरस रखा गया। लेकिन हाथरस का इतिहास कुषाण, गुप्त, राजपूत और मराठा शासकों से भी जुड़ा है। ये तो हुई हाथरस की पौराणिक और ऐतिहासिक बातें, लेकिन 2017 चुनाव के मद्देनजर इसके राजनीतिक पहलू पर नजर डालें तो हाथरस विधानसभा यूपी की सियासत पर गहरी छाप छोड़ती है। हाथरस जिले के अंतर्गत आने वाली इस विधानसभा की संख्या 78 है। सीट पर अरसे से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सामने कोई पार्टी टिक नहीं पाई है। देखना होगा इस बार क्या बहुजन समाज पार्टी अपना जीत का क्रम जारी रख पाती है या सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती है। ये तो हुई चुनाव के बाद बनने वाली तस्वीर की बात। अब इस सीट पर 2012 में हुए चुनावों की बात कर ले। साल 2012 के आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,46,878 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,92,916 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1,53,959 है, जबकि यहां अन्य मतदाताओं की संख्या 3 है। वहीं अगर 16वीं विधानसभा चुनाव नतीजे की बात करें तो यहां की जनता बीएसपी पर खास तौर पर मेहरबान दिखती है। हाथरस विधानसभा को बीएसपी का अभेद किला माना जाता है। 2012 चुनाव में बीएसपी के गेंदालाल चौधरी ने बीजेपी के राजेश कुमार को हराया था। कांग्रेस के राजेश राजजीवन तीसरे स्थान पर रहे थे, वहीं सपा के राम नारायण चौथे स्थान पर रहे। हाथरस विधानसभा पर बीएसपी का दबदबा रहा है। 2007 में यह विधानसभा सीट बीएसपी के कब्जे में थी। साल 2007 विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें, बीएसपी के रामवीर उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 56,698 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत रहा था 46.09। तो वहीं आरएलडी के देवेंद्र अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 41,288 वोट मिले, उनका वोट प्रतिशत रहा 33.57। तो वहीं देव स्वरूप शर्मा सपा के तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 12,722 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 10.34। रामवीर सिंह बीजेपी के चौथे स्थान पर रहे, इन्हें 5,616 वोट मिले और इनका वोट प्रतिशत रहा 4.57। सुरक्षित सीट हाथरस विधानसभा बीएसपी की गढ़ कही जाती है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी सांसद को सबसे अधिक वोट मिले थे। माना जा रहा था 2017 चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन संघ की ओर से आरक्षण पर आए बयान से एक बार फिर यहां का सियासी माहौल गर्मा चुका है। अब यहां देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2017 चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम फहराने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और चलिए अब हाथरस विधानसभा के जातिगत आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं एक नजर। हाथरस में जीत का रस चखने को हर कोई बेताब है। पार्टियां लगी हैं अपनी जीत का दावा बुलंद करने में और प्रत्याशी जनता के बीच उन्हें मनाने में जुटे हैं। इस सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा है और कह सकते हैं ये सीट बीएसपी का गढ़ है। इस सीट की खासियत पर अगर नजर डाले तो हाथरस विधानसभा सीट की संख्या 78 है। बीएसपी के सामने नहीं टिक पाई कोई पार्टी। इस विधानसभा का साक्षरता प्रतिशत 73.1% है।
विधानसभा का क्षेत्रफल 1840 वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस ने 6 बार इस सीट पर कब्जा किया था, तो वहीं बीजेपी ने 3 बार इस सीट को हासिल किया। कुल मिलाकर हर पार्टी का वर्चस्व रहा है इस सीट पर। फिलहाल बीएसपी पर जनता को एतबार है और बीएसपी सीट पर हैट्रिक लगा चुकी है। जिस जनता ने बीएसपी को इस जीत से नवाजा है, उस जनता की भी बात कर लेते हैं। इस विधानसभा सीट पर जातिगत आंकड़ों पर नजर डाले तो ठाकुर 20%, दलित 25%, वैश्य 16% और मुस्लिम 11%। जातिगत आंकड़ों के मुताबिक दलित वोटर्स का प्रतिशत किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत की संजीवनी का काम करेगा, पर ठाकुर और वैश्य वोटर अगर मिल जाएं तो एक अलग समीकरण तैयार हो सकता है। पर जनता के मूड के बारे में फिलहाल कोई भी आकलन लगाना किसी भी दल के लिए नामुमकिन है। पर इस सीट पर जहां बीएसपी एक बार फिर अपना परचम लहराने को बेताब है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर अपने पुराने जनाधार को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा, इस सीट का मिजाज इसके मतदाताओं की जैसे ही तेज तर्रार रहा है। यहां सपा और रालोद के बीच जहां जंग रहती है, तो वहीं बीएसपी कभी भी सीट पर अपना परचम नहीं लहरा पाई है। देखिए रिपोर्ट। हाथरस की सादाबाद विधानसभा, इस सीट का इतिहास आजादी से जुड़ा है। सादाबाद शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के लोगों का गढ़ रही है। पहले स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने के लिए यहाँ के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर हमला कर सरकारी खजाना भी लूटा था। बात अगर सीट की सियासत के बारे में करें तो इस सीट का मिजाज किसी भी पार्टी के लिए माथे पर बल डाल देता है। पहले चलिए इस सीट की खासियत के बारे में आपको बता देते हैं। आजादी की लड़ाई से जुड़ा है इस सीट का इतिहास। इस सीट की विधानसभा संख्या 89 है। इस सीट पर बीएसपी नहीं दर्ज कर पाई है जीत। सपा और रालोद के बीच रहता है कड़ा मुकाबला। इस सीट पर फिलहाल सपा का है कब्जा। आजादी के बाद से लेकर अब तक हुए विधानसभा चुनाव में मुद्दे और लहर के साथ सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहे। हाथरस सीट पर जहां बीएसपी का एक छत्र राज है, तो वहीं सादाबाद विधानसभा में बीएसपी आज तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। इस सीट का सियासी मिजाज हाथरस की और सीटों के मुकाबले काफी अलग है। इस सीट पर सपा और रालोद के बीच जंग रहती है। जहां फिलहाल इस सीट पर सपा का कब्जा है, वहीं इससे पहले इस विधानसभा में रालोद का राज था। चलिए पिछले 2 बार के चुनावों पर नजर डाल लेते हैं। 15वीं विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डाले तो रालोद के डॉक्टर अनिल चौधरी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 55,578 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत रहा था 47.85। विनोद उपाध्याय बीएसपी के दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 39,832 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 34.30। चौधरी प्रताप सिंह कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 7,961 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 6.85। कुंवर शैलराज सिंह बीजेपी के चौथे स्थान पर रहे और उन्हें 5,120 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 4.41। 15वीं विधानसभा में इस सीट पर रालोद का कब्जा रहा, तो वहीं सपा कहीं भी सीन तक में दिखाई नहीं दी। तो वहीं 16वीं विधानसभा में सपा ने सबको पीछे छोड़ते हुए इस सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 16वीं विधानसभा के नतीजों पर अगर नजर डाले तो सपा के देवेंद्र अग्रवाल ने जीत दर्ज की। उन्हें 63,741 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 33.84। सत्येंद्र शर्मा बीएसपी के दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 58,554 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 30.09। चौधरी प्रताप सिंह आरएलडी के तीसरे स्थान पर रहे। 51,247 वोट मिले
और इनका वोट प्रतिशत रहा 27.21। तो वहीं सुभाष चौधरी बीजेपी के चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 6,895 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा सिर्फ 3.66। तो कुल मिलाकर इस सीट पर बीएसपी रेस में तो हमेशा रही है पर कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है, तो वहीं बीजेपी कभी भी इस सीट पर रेस में नहीं रही। पर इस बार के चुनावों के मुद्दे अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। ऐसे में सपा जहां एक बार फिर इस सीट पर कब्जा करने की कोशिश में है, तो वहीं बसपा इस सीट का इतिहास बदलने की फिराक में है। तो वहीं रालोद एक बार फिर इस सीट पर अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी, पर जनता को तय करना है कि इस बार सादाबाद में किसकी होगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए सीट के जातिगत आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इन आंकड़ों के बाद आप खुद ही तय करिएगा कि सीट पर कौन सी पार्टी बाहुबली साबित हो सकती है। जनता की बारी है और पार्टियों के लिए ये समय अग्नि परीक्षा का है। हर कोई कोशिश में है कि उसे जनता का साथ मिल जाए, पर जनता का मूड भाव पाना किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई लगा है जनता को मनाने में, क्योंकि सब जानते हैं कि जनता रूपी जनार्दन का हाथ जिसके सिर पर आशीर्वाद के तौर पर मिल गया, उसकी होली बननी पक्की है। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। पार्टियां अपने नए वादों और इरादों के साथ जनता को लुभाने में लगी हैं, पर पोलिंग में जनता किसे पोल करेगी इसका अनुमान कोई भी अभी तक नहीं लगा पाया है। चलिए बात जनता की निकली है तो इस सीट पर उस संख्या को भी जान लेते हैं जो वोटिंग कर अपनी नई सरकार को चुनेगी। 16वीं विधानसभा में वोटर्स के आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो कुल मतदाता 3,11,121, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,78,305, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,32,816 और अन्य शून्य। तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के आंकड़ों में उछाल आया है। इस बार के वोटर्स के आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो 2017 के वोटर्स के आंकड़े, कुल मतदाता 3,48,978, पुरुष मतदाता 1,97,465, महिला मतदाता 1,51,454 और अन्य 1। वोटर्स के आंकड़ों में आए उछाल में ज्यादातर वो मतदाता हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। साफ है कि युवा मतदाताओं को रिझाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। ऐसे में इन चुनावों में युवाओं का रोल भी जीत हार का अंतर तय करेगा। वही जातिगत आंकड़ों को भी साधना हर पार्टी के लिए एक चुनौती रहेगी, क्योंकि बात अगर यूपी के चुनावों की हो तो जातिगत आंकड़े अपना ही खेल खेलते हैं। चलिए आपको जातिगत आंकड़े भी इस सीट के बता देते हैं। जाट 35%, ब्राह्मण 18%, मुस्लिम 13%, दलित 20%। साफ है कि जाट वोटर्स का गढ़ है सादाबाद विधानसभा सीट। ऐसे में आरएलडी का गढ़ भी इसे कहा जाता है, पर फिलहाल इस सीट पर सपा का कब्जा है। वहीं अगर बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इस सीट पर चल गया तो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट इस सीट पर बीएसपी को जीत दिलाते दिखाई देंगे। पर फिलहाल किसी भी तरह की भविष्यवाणी इस सीट पर करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और चलिए अब मथुरा की विधानसभा सीट बलदेव की भी बात कर लेते हैं। बलदेव विधानसभा सीट मथुरा में ही आती है। मथुरा से सटा होने की वजह से इस सीट का भी अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन सियासत के लिहाज से भी इस सीट की बड़ी भूमिका है। इस बार हर पार्टी यहां से जीतने के लिए पुरजोर आजमाइश कर रही है। बलदेव नाम श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम पर पड़ा है। यहां एक बलभद्र कुंड भी है। कहा जाता है इसी तालाब से बलराम और उनकी पत्नी की प्रतिमा निकली थी। ये इलाका मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो हो गया बलदेव का ऐतिहासिक महत्व। अब एक नजर बलदेव विधानसभा सीट पर भी। 403 सीटों वाली विधानसभा में बलदेव का नंबर है 85। 2008 में अस्तित्व में आई थी
बलदेव विधानसभा सीट। अब तक एक ही बार हुआ है विधानसभा चुनाव। बलदेव विधानसभा की साक्षरता दर है करीब 60%। इस विधानसभा सीट के लिए विकास है बड़ा मुद्दा। पिछले चुनाव में बलदेव विधानसभा सीट पर आरएलडी का कब्जा था, लेकिन इस बार बाजी कौन मारेगा ये कहा नहीं जा सकता। एक नजर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर। आरएलडी के पूरन प्रकाश ने यहां जीत हासिल की थी। उन्हें 69,364 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा था 41.53। वही बीएसपी के चंद्रभान सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 47,270 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत रहा 24.74। तो वहीं अजय कुमार पांड्या बीजेपी से तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 45,372 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 23.74। समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार चौथे स्थान पर रहे और उन्हें 10,149 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 5.31। पिछले चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी चौथे स्थान पर थी, तो कांग्रेस को टॉप 5 में भी जगह नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव में मथुरा से जीत का स्वाद चखने वाली बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में सपा, बीजेपी और बसपा के बीच इस सीट को अपने नाम करने की होड़ लगी हुई है, तो आरएलडी भी अपने गढ़ में वापसी करने को बेकरार होगी। लेकिन ये किसके कब्जे में आएगी ये जनता के मूड पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बलदेव विधानसभा सीट जाट ब्राह्मण और जाट बाहुल्य इलाका है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक ये आरएलडी का गढ़ माना गया है, लेकिन इस बार सभी पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ये सीट जीतने के लिए जाति समीकरण का भी बेहद अहम रोल है। बलदेव विधानसभा सीट मथुरा में आती है। यहाँ जाटों की आबादी ज्यादा है। इस सीट पर भी परिसीमन का बड़ा असर पड़ा है। नए परिसीमन के बाद बलदेव विधानसभा सीट को सामान्य से आरक्षित कर दिया गया था। साथ ही इसका नाम भी गोकुल विधानसभा से बदलकर बलदेव कर दिया गया। इस सीट के करीब 3 दर्जन गांवों को मांड विधानसभा में शामिल कर दिया गया। वहीं मांड विधानसभा के भी 3 दर्जन गांवों को इस सीट में शामिल किया गया, जिससे यहां के जातिगत आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ है। लिहाजा इस सीट पर कौन बाजी मारेगा या जनता किस पर मेहरबान होगी ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। अब एक नजर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर। कुल मतदाता 317,126, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 176,695, महिला मतदाता 140,426 और अन्य 5। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मतदाता 345,428, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 187,389, महिला मतदाताओं की संख्या 158,020, वही अन्य 19। पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस बार मतदाताओं की तादाद करीब 28,000 ज्यादा है, जिसमें सैकड़ों युवा मतदाता है जो पहली बार वोट करेंगे। लिहाजा इनकी भूमिका इस बार के चुनावों में बेहद अहम होगी। अब एक नजर बलदेव विधानसभा सीट के जातिगत आंकड़ों पर। जाट 30.25%, जाट अब 22.5%, ब्राह्मण 18.7%, ठाकुर 15%, मुस्लिम 13.57% और वैश्य 11.1%। बलदेव विधानसभा सीट पर सैकड़ों की तादाद में युवा वोटर हैं, लिहाजा उनके लिए शिक्षा और विकास का मुद्दा अहम होगा। ऐसे में यहां वोटर्स को बरगलाना इतना आसान नहीं होगा, लिहाजा जीत के दाव के दर्शन उसी को होंगे जो जाति समीकरण के साथ मुद्दों पर भी फोकस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।